यूपी के जनपद बुलंदशहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। दरअसल पूरा मामला खुर्जा नगर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि महिला का पति गुलफाम ईद से एक दिन पहले गांव आया था। किसी बात को लेकर पति पत्नी दोनों में विवाद हो गया और युवक ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आनन फानन में परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी की तलाश में जुट गई है। वो लड़ता रहता हर वक्त और क्या कहें, 8-9 महीने से तो कोई हा भी नहीं यहाँ पे। इसका दूल्हा गुलफाम। अच्छा। और क्या कहें, अब वो चांद रात को आया है, परसों लड़ाई हुई, मोबाइल तोड़ दिया इसका। और उसके बाद में भी इसने क्या कहें, कल मैंने इसे समझा के भेजा मैंने कि बेटा तू रोटी हंडिया कर ले जाके घर, और लड़ियों मती ना भी तुझसे लड़ा तो। और रात को वो सोते में इसे मार के बचा। क्या चीज मारी है ऐसी चीज को? पता नहीं क्या मारी है, देखा ना है। मैं तो बहुत दूर रहूं इससे। तो कैसे पता लगा आपको? वो छोटी लड़की है ना, वो उठी इसके पास, उनने इसे उठाया तो उसका जैसे हाथ सना ना, तो वो जल्दी से अपने भैया और मामू उठाने गई ऊपर से। वो ये तीनों मुझे बुलाने गए जब पता पड़ी हमें। आज प्रातः पुलिस को सूचना मिली थी कि खुर्जा नगर में मोहल्ला खीरखानी निवासी रुबीना पत्नी गुलफाम की हत्या किसी ने कर दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की है और जो अभियुक्त जो बताया जा रहा है उसकी तलाश के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। सर क्या पति था वो? ऐसा ही बताया गया है, इसके पति गुलफाम ने आया हुआ था रात में और इस समय घर पर नहीं है वो, तो उसी पर संदेह व्यक्त किया गया है। तहरीर प्राप्त हो रही है, मुकदमा लिखा जा रहा है, उसके अलावा अनुसार कार्रवाई की जाएगी।